फिलहाल 5 दिनों बाद आज इस ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। आज हमारे सिस्टर की बर्थडे है, मेरे बड़ी दीदी की बर्थडे है। दीदी अगर इस ब्लॉग को देख रहे हो, हैप्पी बर्थडे टू यू। डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? जो हम लोग अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। मौसम फिलहाल कुछ दिनों से अच्छा है, ना बारिश ना धूप, काफी बढ़िया है। अब बच्चे लोग नीचे खेल रहे हैं वहाँ पे, ये लोग बदमाश लोग, देखो। तो यहाँ गर्म गर्म चाय पी रहे अपने भाई का होटल में। भाई भी बंद करने वाला था पर मैं आया हूँ, बोल के चाय दिया फटाफट बना के। और आज तिली मोयंग ने मुझे रिंग दिया, पर मैंने ये रखा मेरे सिस्टर को देगा। इन लोग मेरा ब्लॉग देख रहे कब से है? तुम लोग भी ब्लॉग में आ रहे हैं, हाय बोलो। हाय। एंड आज के दिन में 4 साल पहले हमारे फेवरेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जी का देहांत हुआ था। गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज बॉय प्रीतम आची। मैं YouTube चैनल एक्सप्लोर विद प्रीतम हूं। सो जहां भी होंगे ताबड़तोड़ मस्ती करें, बहुत ज्यादा खुश होंगे। फिलहाल 5 दिनों बाद आज इस ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं, दिन के कितने बजे? 3 बजे। और इधर देखो, कुछ बच्चे मेरे ब्लॉग देख रहे हैं खिड़की से। ये देखो खिड़की से मैं ब्लॉग देख रहा था कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज काफ़ी दिनों बाद मैं 5 दिनों के बाद ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो कम्युनिटी पोस्ट में भी लिखा था मैं रेगुलर ब्लॉग नहीं दूंगा, क्योंकि बैक एंड से बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा था। मैं थोड़ा सा हल्का सा डिप्रेस हो गया था कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, समझ में नहीं आ रहा था, मूड भी नहीं बन रहा था। लेकिन कल जब मैं मार्केट गया हुआ था तब कुछ लोग मिले और लोग बोला कि सर आप ब्लॉग बनाते हो, आपका ब्लॉग देखे हम लोग मोटिवेट होते हैं, और आप ही अगर सेट रहोगे, आप ही ऐसे ब्लॉग नहीं डालोगे तो हम लोग कहाँ से मोटिवेशन पाएंगे। तो ये सब वर्ड ना बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए। 5-6 बंदा मिला कल टोटल, शाम को एक मिला सियांग बोल के एक बंदा, एंड दिन को भी बहुत सारा मिला। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि कुछ है, एक दो लोग होने से भी कोई इंस्पायर होता है। तो हम सोचते हैं नहीं मैं ब्लॉग दूंगा, अभी रेगुलर बेसिस में नहीं होने से भी हफ्ता में 3 दिन तो दूंगा। इसी बात को सोच के आज मैंने ब्लॉग शुरुआत किया, और आज का दिन में बहुत अच्छा अच्छा गुड न्यूज़ भी है, वो भी बताऊंगा आपको। और जैसे कि आप जानते हो जिंदगी है तो मुसीबतें तो आएंगी, प्रॉब्लम्स तो आएंगे, तकलीफें तो आएंगे, पर हमको अपना काम करना जरूरी है। और पिछले चीज़ों को लेके अगर हम बैठा रहे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो जो भी अपना कर्म है उसका फल मिल रहा है, आज अच्छा काम करूँगा तो कल हमको अच्छा फल मिलेगा, राइट? तो पहले अपना गुड न्यूज़ बता देते हैं कि आज है अपना 14th of June, एंड आज हमारे सिस्टर की बर्थडे है, मेरे बड़ी दीदी की बर्थडे है। तो वैसे तो मैं कोई सेलिब्रेशन नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज सिचुएशन ऐसा है कि सब कुछ मैनेज नहीं कर पाऊंगा अभी। एंड दीदी को मैंने सुबह अबाउट रात को 12 बजे विश करूंगा सोचा था, लेकिन नहीं हो पाया, मैं उठ नहीं पाया। अबाउट 1 को मैंने फ़ोन करके दीदी को विश किया था हैप्पी बर्थडे बोल के। एंड दीदी मुझसे 6 साल बड़ी है, अभी वो गुवाहाटी पे है। एंड दीदी अगर इस ब्लॉग को देख रहे हो, हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड अगर साथ में होता केक जरूर काटते, पर आप कोशिश करूंगा अगर कुछ मैनेज होगा शाम तक आपके लिए यहाँ पे मैं केक काटूंगा। दूसरा गुड न्यूज़ ये है कि हम जो इतना दिन से बहुत ज़्यादा टेंस था कि मॉम का ऑपरेशन पेंडिंग हो रहा था डायबिटिक का, रिजल्ट का वजह से, लास्ट ब्लॉग में बताया था आपको कि उनका शुगर लेवल बहुत हाई हो रहा था, उनका ऑपरेशन नहीं हो रहा सक्सेसफुली, तो वो ऑपरेशन भी आज डन कंप्लीट हो गया। अभी थोड़ा पहले पापा जी ने फ़ोन किया था, 3 सेकंड में ऑपरेशन हुआ, एंड अबाउट 1 बजे में ऑपरेशन कम्प्लीट हुआ। अभी मैंने उन लोग से रिक्वेस्ट किया कि उन लोग पासीघाट होके इधर से डामबुक जाएं, क्योंकि डिब्रूगढ़ होके बोगीबील होके अगर आता है तो 191 किलोमीटर लगता है, और अगर 3 सेकंड धौला होके जाता है डामबुक तो 135 किलोमीटर, 50 किलोमीटर का डिफरेंस है। क्योंकि मम्मी को देखने के लिए फिर मैं संडे को जा नहीं पाऊँगा, हर समय तो वक्त नहीं मिलता है, क्योंकि मुझे घर का सफाई करना है। हर संडे को मैं घर पर रहता हूँ, सफाई नहीं होता है, तो इसी कारण से मैं सोचा कि पापा मम्मी को लेकर आ जाओ, मम्मी को देख लेता हूँ। और अभी इन पीरियड में मतलब ऑपरेशन करने का About 5 to 10 days बहुत ध्यान रखना पड़ता है, आँखों में आंसू नहीं निकलना चाहिए या नमक पानी नहीं घुसना चाहिए, ऐसे बहुत सारा गाइडलाइंस होता है जो मैंने फॉलो किया था जब नेपाल में ऑपरेशन हुआ था। तो ये मेरा सबसे बड़ा 2 गुड न्यूज़ है, बहुत अच्छा लगा। एक तो मेरा सिस्टर का बर्थडे है, दूसरा मम्मी का ऑपरेशन डन हो गया। तो एक एक जो चीज़ें हो रहा है ना धीरे धीरे सॉल्व आउट हो रहा है, एंड सारा का रोल जो प्ले कर रहे पापा ही कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहे, पापा काफ़ी मैनेज कर रहे चीज़ों को। तो इसलिए बोलता है घर में अगर बाप नहीं होता ना तो कुछ सारा नहीं होता है, मतलब एक अलग सपोर्ट है पापा ना, तो हर चीज़ वो हंसी मजाक हंसी और खुश मिजाज में हैंडल कर लेते हैं, हम लोग को जैसे ना जल्दी दुख नहीं होता है। एंड आज सुबह सुबह हमारे बच्चे ने एक चीज़ दिया, कार्बन ने मुझे ये रिंग दिया था 1 साल पहले मेरे बर्थडे में, ये क्या नारुतो का रिंग, और कार्बन मोयंग ने दिया था, और आज तिली मोयंग ने मुझे रिंग दिया, पर मैंने ये रखा मेरे सिस्टर को देगा, क्योंकि ये चलो वो प्यार से हमको दिया कोई बात नहीं, लेकिन इसको मैं सोच रहा हूँ अपने सिस्टर को दूंगा, बहुत प्यारा है। उसने परचेज करके लाया था तो बोला सर आपके लिए लाया, तो शी गिफ्टेड मी दिस।
इसे रख देता हूँ अंदर में। तो अभी चलते हैं बाहर कुछ खाने के लिए। सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं क्योंकि पूजा नहीं किया था, पूजा जब तक नहीं करता खाने मन नहीं। ये सब कपड़ा को भी बहुत धुलाना है, हालत देखो रूम का। एंड लाइट का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू है, पानी का भी बहुत ज़्यादा इशू है। अभी 3 बजने वाला है, 3:30 से अपना क्लास शुरू होगा, तो फटाफट जाके कुछ खा के आते। देखिए ये टाइम गड़बड़ है यार, हाँ 5 मिनट का गड़बड़ है। और यहाँ देखो इन लोग मेरा ब्लॉग देख रहे कब से, तुम लोग भी ब्लॉग में आ रहे हैं। हाँ हाय बोलो। क्या नाम है तुम्हारा? अनुस तयुम। तुम्हारा नाम बताओ। ये लड़की का ये बम्पी कादू गालो लड़की देखा है? ये हमको सारा दिन डिस्टर्ब करता है। ये कितना क्लास में बोलो? ये हमको सारा दिन डिस्टर्ब करता है। ये क्लास 6 में पढ़ता है, कस्तूरबा गांधी कहाँ में? पासीघाट बोलो। और ये अपना पोस्टर। तुम लोग कहाँ का, कौन सा स्कूल में पढ़ते हैं? LBS। ये कौन सा स्कूल है? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री स्कूल कहाँ पे है ये? उधर में है। कितना क्लास में? 6। एंड यू, तुम दोनों कितने क्लास में पढ़ते हैं? 7 में, 5 में। शर्माता है, कैमरा फियर है ये तो, बेशर्म है, शर्माता भी नहीं, बदमाश लड़की। चलो अभी चलते हैं। ये हमारे बिल्डिंग का बच्ची लोग है, दे आर वेरी एडोरेबल, बहुत छोटी छोटी, 1 6 में है, 5 में है। सारा दिन आके ना हमको मतलब वो तंग करते रहेगा, यहाँ में आएगा भैया, यहाँ में आएगा भैया। प्यारा है, बहुत प्यारा बच्चा है। चलो चलते कुछ खा के आते। One hour later, guys, लंच के घर पे आ गए। अभी दिन का 3:30 बज रहे हैं, बच्चे भी आ गए, तो लोगों को क्लास करना हुआ है। यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, तो फटाफट क्लास करा लेते हैं। अभी क्लास चलेगा शाम का 5:30 बजे तक, बिकॉज इकोनॉमिक्स क्लास में जो स्टार्ट हुआ था उसको मैं 2 दिन के लिए ऑफ रखा हूँ। मंडे से पूरा 3-4 बच्चा आएगा तो एक साथ स्टार्ट करेगा, बल्कि क्योंकि एक बच्चे को पढ़ा रहा है, एक चैप्टर आगे निकल जा रहा है, फिर एक बच्चा घुसेगा तो उसके लिए प्रॉब्लम होगा, बल्कि मंडे से एक बार से स्टार्ट करेंगे। कितना प्यारा लग रहा है, देखो तो ये जो गिफ्ट दिए। थैंक यू तिली, थैंक यू सो मच। चलो क्लास करते हैं, मोबाइल को चार्ज दे देता हूँ यहाँ पे, एंड क्लास कर लेते हैं। तुम्हारा चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, ठीक है? यहाँ से सुनिए, डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? जो हम लोग अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के ना, अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं अलग अलग एरिया में ना, इसी को हम लोग क्या करते हैं? सारा क्वेश्चन खत्म हो गया, बच्चे चले गए, 4-5 बच्चे थे सब चले गए। आज मैंने पढ़ा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लास 10 का, एंड अभी बज रहे 6 बजने वाले हैं। एंड अभी तक पापा मम्मी को मैंने कांटेक्ट नहीं किया, पता नहीं पापा मम्मी आएगा नहीं आएगा। एंड पासी के तो मौसम में फिलहाल कुछ दिनों से अच्छा है, ना बारिश ना धूप, काफ़ी बढ़िया है। अब बच्चे लोग नीचे खेल रहे हैं वहाँ पे, ये लोग बदमाश लोग, देखो हाय बोलो। सब लोग नीचे में खेल रहे हैं और माहौल काफ़ी बढ़िया है। तो अभी फ़ोन करके देखता हूँ पापा लोग आएंगे या नहीं आएंगे। आने से थोड़ा सा अच्छा लगता है मतलब ना, मम्मी आने से पता नहीं, बोले उन लोग से चार्ज जा सकते डाल डायरेक्टली, तो फैन का हवा में आराम मिलता है। रूम पूरा हेफाजत मिनर में रखा हुआ एकदम गंदा तरीका से, ये कपड़ा लोग भी धोने देना पड़ेगा। और ये कुछ धोबी का भी कपड़ा दिया, इसको लेके आना पड़ेगा, 2-4 कपड़ा है वहाँ पर। चलो अभी घूमते घूमते हम लोग गांधी चौक आ गए, और गांधी के चौक का काम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यहाँ बिल्डिंग लोग पूरा बन के ख़त्म ही हो गए नहीं यार, बट कुछ कुछ खोल भी लेनी चाहिए दुकान। अभी सानू हम लोग थोड़ा चाय लेने जा रहे हैं, वहाँ चाय पियेंगे। हमारा क्या काकू चाय ना, दादू चाय, दादू का चाय, अच्छा दादू चाय बोल रहे बोले। ये बनने के बाद काफ़ी चीज़ें ठीक होगा लगता है, बस लाइट का प्रॉब्लम ठीक हो जाए, लाइट इतना जाता है हमें दिमाग ख़राब, अंधेरा हो गया। देखो ये है गांधी चौक, तो यहाँ सानू जी चाय निकाल रहे। कब लाया था वो? लाया तो, और आज मार्केट बहुत ज़्यादा भीड़, आज ज़्यादा भीड़ क्यों है यहाँ पे? बाइक पार्किंग करने जगह नहीं है तो हम यहाँ में रखा है, बस ऐसे ही भीड़ है ना। और यहाँ पे एक ऊपर में मोबाइल का शॉप खुला है, बोलता है रिफर्बिश फ़ोन का, मेन मार्केट में। वाह अच्छा ये मेरा, गर्मा गर्म चाय पियेंगे। एक कप बज गया था क्या? सही है। एंड वो भी उस तरफ का रास्ता बंद कर दिया, बल्कि सारा गाड़ी भी इधर से जा रहे हैं, देखो लेफ्ट में घूम रहे हैं यहाँ पे, सब गाड़ी उधर से निकल रहे हैं। नेक्स्ट ईयर ये तरफ का बिल्डिंग भी बड़ा तोड़ेगा, स्मार्ट सिटी यहाँ भी बनेगा, इसमें बिल्डिंग बनेगा ना,
ये पार्ट पूरा बिल्डिंग बनेगा, कहाँ जाएगा लेकिन दुकानदार लोग उस तरफ दे देगा क्या दुकान उन लोग का? हाँ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है भाई, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी और रोड का। ओके गाइस अभी रात का बज रहा है 9:30 एंड मैं मार्केट से जो चाय पानी पी के घर पे आया था 7:40 को अप्रोक्स, तब से लाइट नहीं था। फिर 8 बजे हमारे एक मैडम आ जाते थे कम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करने के लिए, तो मैडम को 8 से 9:30 तक पढ़ाया अभी पूरा, अभी जस्ट मैडम निकल गई। तो मुझे अभी रात का डिनर भी बनाया और मीन वाइल मेरा फ्रेंड ने भी फ़ोन किया था डेविड भाई ने कि भाई हमें यहाँ पे आया हूँ पासीघाट में जेम्स के घर में, तो अगर वक्त मिले तो मैं आना, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार वहाँ भी चला जाता हूँ बिफोर तो देखता हूँ गेट तो बंद नहीं हुआ है नीचे में, एंड खाना भी अगर वहाँ पे हो जाता तो वहीं पे खा लेंगे नहीं तो घर पे बनाना होगा। एंड बहुत दुख लग रहा है कि मैं क्लास करते करते एकदम भूल गया, शाम को मुझे केक लेना था क्योंकि मैं बड़ा केक तो लूँगा नहीं अभी तक तो बजट नहीं है, तो मैं सोचा था कि थोड़ा पेस्ट्री लेके दीदी के नाम पर काटूँगा खुद खाऊँगा, लेकिन हुआ नहीं है। कोई नहीं दीदी के लिए ये है मेरे फ्रेंड मेरे स्टूडेंट ने जो गिफ्ट दिया था ये दीदी के लिए गिफ्ट है, इसको मैं जब भी दीदी को मिलूँगा तब मैं उसको दूँगा। आई मिस यू वेरी मच, बहुत मिस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत दिनों से उसके बर्थडे में हुई नहीं, और इस बार सोचा था कि उसके साथ बर्थडे मनाएगा बल्कि, पर सरकमस्टेंसेस ऐसा है जिंदगी का कि दीदी वहाँ मैं यहाँ माँ बाप वहाँ। चलो कोई नहीं चलते, मोबाइल वोबाइल चार्ज किया था, रेस्ट भी लिया मैंने दिन को आज काफ़ी, बिस्तर वैसे ही वैसे पड़ा हुआ है, तभी चलते हैं फ्रेंड के घर। खिड़की उड़की भी बंद कर लिया और कैलेंडर को मैंने फाड़ दिया यहाँ पे, मेरे कैलेंडर में बच्चे लोगों ने पूरा मेरे जितने स्टूडेंट के फोटोज था ना सब बर्बाद कर दिया था, तो यहाँ पर्दा वर्दा लगाना है। अभी चलते हैं एंड जैम से भी बात होगी, उन लोग भी जस्ट पहुँचा बोलते हैं, तब हम जाएंगे नीचे, वो दुकान खुला है चाय का, वहाँ चाय पर हम चाय पियेंगे। शाम का नज़ारा है देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, हमारा गेट तो बंद नहीं हुआ खुला ही है, बंद हो गया, और जेम्स का घर इधर है सामने, बाइक लेके जाएंगे हम लोग। चलते काफ़ी रात हो गया यार, तो यहाँ गर्म गर्म चाय पी रहे अपने भाई का होटल में, भाई भी बंद करने वाला था पर मैं आया हूँ बोल के चाय दिया फटाफट बना के वहाँ तो होटल, और ये कोने से हम जाएंगे जेम्स के घर, बाइक लेके आया हूँ कि जो मुझे बाहर जाना है पोस्टर लगाने के लिए, आज समय है अकेले जाऊँगा तो सानू भाई को ले लूँगा घर से जाके 2 माइल से, भाई दुकान बंद करने वाला, सारे दुकान बंद हो गया, तो हम जेम्स के कॉलोनी आ गए, गेट लॉक है गेट खोल रहे अभी। ये है आपका बिल्डिंग, हाँ जी आइए। गेट लॉक है यहाँ का, अरे ये बिल्ली है इसको लाइट सोच रहा था कब से हम पूछी देखो तो क्या हो गया, आएंगे लाइट भी आ गया, दिस इज साइलेंट लॉक। हमें ये मसाला दीजिए तो, ये दीजिए तो, आई डोंट नो बॉस, ये दो तो दिस वन बंबू सूट ना तीखा है सूखा है ड्राई वाला ना डाल लीजिए ना कहीं भी चलेंगे, खाओ खाओ ये नमक, और यहाँ मालिक तुमको बैठेगा बैठो ना, खाना खाना खाएगा बाहर तो बहुत ज़्यादा खा लेता, घर में तो घर में तो खाना बनेगा। बहुत बढ़िया बम्बू सूट खाने में मज़ा आता है, रात का 11:30 बज रहे फाइनली रीच होम, क्योंकि कल सुबह मेरा ट्यूशन है, दोस्त लोग बोला था कि रह जाओ बोल के, लेकिन सुबह मेरे 5 बजे ट्यूशन है तो घर आना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, खाना वाना वहीं पे खा लिया, तो मेरे घर पे बनाना हुआ नहीं आज, एंड कल भी हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे आफ्टर मेरा ट्यूशन, बहुत जगह जाएंगे क्योंकि दोस्त मेरा जो डेविड भाई है वो 18 को फाइनली यहाँ से शिफ्ट करके दिल्ली शिफ्ट हो रहा है, तो बोला है कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, तो यहाँ पे जेम्स से संतोष भाई भी है, तो सब लोग के साथ कल भी थोड़ा स्पेंड करेंगे आफ्टर माई क्लासेस, मैं उन लोगों को ज्वाइन करूँगा आ जाके। तो ये व्लॉग काफ़ी अच्छा रहा एंड 4-5 दिन के बाद मैं हिम्मत किया हूँ व्लॉग बनाने का, तो जो भी लाइफ वही बोलता हूँ कि लाइफ में जो भी सिचुएशन चले अपना काम कंटिन्यू रखना है, बिकॉज काम करेंगे, काम करने के बाद रिजल्ट आएगा तब सब कुछ होगा, और सब यूथ से भी कहना चाहता हूँ कि भाई पहले अपना करियर बनाओ उसके बाद सब कुछ करना, बिकॉज
करियर अगर डगमगाता है आपका, तो दोस्ती हो, प्यार हो, जो भी हो, सब फैमिली हो, सब कुछ ना कुछ आपसे एक्सपेक्ट करता है, तो आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा, उसके बाद ही सब कुछ करना है। मतलब ना लाइफ में कुछ भी करने से पहले अपना करियर बना लेना, ये मेरा तरफ से ज्ञान दे रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अभी इसी में फोकस कर रहा हूँ। एंड आज के दिन में ही 4 साल पहले हमारे फेवरेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जी का देहांत हुआ था, जो कि मिस्ट्री रही है कैसा देहांत हो गया किसी को पता नहीं। तो मैं लास्ट ईयर उनका जो ये डेथ एनिवर्सरी मनाया था घर पर इस बार मना नहीं पाया, तो ना दीदी का बर्थडे मना पाया ना इनका डेथ एनिवर्सरी मना पाया। पर जब भी रील्स खोलता हूँ देखता हूँ तो बहुत ही दुख होता है कि इतना शानदार एक्टर, इतना टैलेंटेड एक इंजीनियर जो फिल्म इंडस्ट्री में था, वो आज इस दुनिया में नहीं है। 4 साल हो गया उसका ना, 2020 को हुआ था मुझे याद है, लॉकडाउन के समय में। इट्स वाज बिट्स शॉकिंग, बहुत शॉकिंग था, क्योंकि हम लोग आइडल मानते थे, मतलब उनको बहुत पसंद करते थे, उनसे देख के हमें बहुत कुछ सीखा, ड्रीम हो गया था कि ये कि भाई इंजीनियर एक्टर है, इतना अच्छा दे रहा है, तो हम लोग भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं उनके। तो देखो सबका लाइफ से बहुत कुछ सीखने मिलता है, ये बोलता हूँ। तो आज का ब्लॉग को हम यही खत्म करते हैं, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर से नए दिन में नए ब्लॉग के साथ, तब तक लिए खुश रहिए, अपने मन के क्रम दिल्ली से सुबह पर तुम साइनिंग आउट। जय हिंद, जय भारत, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।